हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मेरे किचन में मैं बनाने वाली हूँ मकर संक्रांति स्पेशल मूंग दाल मवोड़े। स्पेशली ये मकर संक्रांति पे ही बनाए जाते हैं, वैसे आप इसे कभी भी बना के इसका स्वाद ले सकते हैं। चलिए देर नहीं करेंगे, चलते हैं रेसिपी की तरफ। मंगोड़े बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने छिलके वाली मूंग की दाल ले रखी है। अच्छी तरह से इसे आप बीन लीजिएगा सबसे पहले, और उसके बाद हम इसे बढ़िया तरीके से धोएंगे 2-3 पानी से। इसके बाद आप 2-3 घंटे के लिए इसे सो करके रख दीजिएगा। ये देखिए, दाल जो भिगोई थी मैंने 250 ग्राम से थोड़ी सी ऊपर थी, 300 ग्राम लगभग ये दाल थी, भिगो के रख दी थी मैंने। ज़्यादा भीगने में टाइम भी लगता है, 2-3 घंटे में आराम से ये दाल भीग जाती है। तो इसे अब हम क्या करेंगे ना, बढ़िया से धोएंगे। ये मैंने बड़ा सा भिगोना ले लिया, ये दाल हम इसमें कर लेंगे शिफ्ट। 2-3 बार आप इसे रगड़ के ऐसे ही धो लीजिए, और जो छिलके ऊपर आ जाए उसे आप निकाल लीजिए, और थोड़े से छिलके इसमें बचा के रखिएगा, वो हम साथ में पीस लेंगे दाल के। इसीलिए हम ये छिलके वाली दाल लेते हैं दोस्तों, यही रीज़न है कि हम धुली हुई दाल नहीं लेते हैं। अब इसे हम मिक्सी में, आपको पीसना है आप मिक्सी में पीसिए, लेकिन भाई मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीसिएगा, बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका मत बनाइएगा। तो इसे मैं बताएं क्या करती हूँ दोस्तों, इसे मैं दरबड़ा पीसती हूँ, और वो भी मैं सिलका यूज करती हूँ। दाल बहुत जल्दी पिसती है ये, इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं होती है दाल पीसने में। तो फ्रेंड्स, सिल आ गई मेरी, दाल डाल लेते हैं इसमें। आपको गीला पेस्ट नहीं बनाना है, पानी अच्छी तरह से निकाल के बनाइएगा। भले ही आप मिक्सी में पीस रहे हो, पानी बहुत ज्यादा मत ऐड कर दीजिएगा, जिससे आपका पेस्ट गीला हो जाए। फिर आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, पकौड़े बनाने में प्रॉब्लम आएगी, पेस्ट तो हो जाएगा गीला, पकौड़े बन ही नहीं पाएंगे। बहुत गीला नहीं, बहुत सूखा नहीं, बीच का रखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा तो उसमें जाती है धनिया। धनिया ज्यादा से ज्यादा डालेंगे, पकौड़ों में बढ़िया लगती है। मिर्च भी इसमें खूब सारा डालेंगे हम, 7-8 मिर्च लिए। अगर बहुत स्पाइसी वाली मिर्च है तो थोड़ी सी कम डालिए, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो भाई थोड़ी सी कम डाल सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार जाएगा। और ये हींग चुटकी भर मैंने यहाँ पे ले रखा है, बस इतना मटेरियल आपका इस दाल में जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा मटेरियल मंगोड़े के लिए एकदम रेडी। भजिया बनाने के लिए देखिए, मैंने बैंगन जो है ना लंबा वाला ले रखा है। एक और बैंगन आता है जो थोड़ा सा गोल होता है, छोटे छोटे बैंगन होते हैं गोल वाले, वो भी आप ले सकते हैं, वो थोड़े से आपको साइज में बड़े मिल जाएंगे। ये फिलहाल बढ़िया बैंगन है, और इसे हम पतले पतले स्लाइस में ना काट लेंगे। ये भजिया के लिए तैयार हो गए बैगन। चलिए मंगोड़े कैसे बनाते हैं शुरू कर लेते हैं प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें ना हमारा जाएगा सरसों का तेल, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये डाल लेते हैं हम सरसों का तेल। चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मगौड़ों में सरसों का तेल के मगौड़े बढ़िया लगते हैं,
तो इसका धुआं निकल जाएगा अच्छी तरीके से, इसका कच्चापन खत्म हो जाए, तब हम इसमें मकौड़े बनाना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया, अब क्या करेंगे ये देखिए। हमारा मटेरियल एक साइड में इसको डिवाइड कर लिया, एक साइड में ये आधे दाल की मैं भजिया बनाऊंगी और आधे के बनाएंगे मकौड़े। तो इसके साइज बहुत बड़े भी नहीं, बहुत छोटे भी नहीं। डालना शुरू करते हैं। तेल को अच्छी तरह से मैंने गरम करके उसका जो कच्चापन है निकाल लिया था, उसके बाद ये काफ़ी देर तक गरम रहता है, काफ़ी हाई फ्लेम पे हम ये प्रोसेस करते हैं। तो बहुत गरम करने के बाद ना एक बार गैस को बंद कर लीजिएगा और उस स्टेज पे आप मकौड़े मत सेकिएगा, बहुत ज़्यादा ही गरम होते हैं, ऊपर से बिल्कुल ब्राउनिश हो जाएंगे आपके मकौड़े और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हल्का सा जब ठंडा हो जाए आपका तेल, तब आप डालिए मकौड़े। डालिए मैंने, हल्का से नीचे से क्रिस्प हो जाए, तब ब्राउनिश हो जाए, तब इसे पलटेंगे। अभी ऊपर से ये देख रहे हैं ना, गीला है, पलटने से क्या होगा, इसका शेप खराब हो जाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पे हम सिकने देते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं करना है इन मकौड़ों को, एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाते हैं भाई, टेस्ट के ऊपर है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो हल्का सा ब्राउनिश, जैसे ये कलर आ गया है ना, ये कर लीजिए, वरना इस स्टेज पे भी आप इस पे इसे निकाल सकते हैं। ये टोटली हमारे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना क्रिस्प लेना चाहते हैं। और संक्रांति पे फ्रेंड्स ये मकौड़े जरूर बनते हैं, हर जगह तो नहीं बनते हैं, लेकिन ये झांसी उरई आपका ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ये मकौड़े कंपलसरी है। तो देखिए मकौड़े हो गए आपके रेडी, पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ एक चटनी आपको मैं बताऊंगी, अमचूर वाली चटनी, इसके साथ ना फ्रेंड्स बेस्ट लगती है वो। इतने मकौड़े निकाल लिए मैंने, अब धीरे धीरे करके मैं सारे मकौड़े, चलिए एक ट्रिप भजिया के बना के आपको दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा भजिया बनाने का तरीका, सिंपल है। दाल में लपेटिए आप बैगन को और डालते चाहिए। इसी तरीके से सेकना है जैसे आपने मकौड़े बनाए। तो इस तरीके से सारे मकौड़े और भजिया हम रेडी कर लेते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो चटनी होती है ना, बड़ी स्पेशल होती है और बड़ी टेस्टी। और उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इस चटनी का, वो है अमचूर। तो अमचूर से ही पूरा स्वाद आता है, ये तो आपको स्किप ही नहीं करना है। खूब सारी इसमें धनिया लेनी है, 7 से 8 कलियां लहसुन की मैंने ले रखी है, मोटी कलियां हैं तो 3 से 4 ले लीजिएगा, या 3, वो ज्यादा बड़ी बड़ी है अगर तो। मिर्च डाल लेते हैं इसमें, ज्यादा स्पाइसी मिर्च है थोड़ी कम लीजिए। अब ये अमचूर थोड़ा सा ज्यादा जाता है इसमें, 1 से 2 चम्मच। नमक स्वाद अनुसार लीजिए, चला गया 1 चम्मच नमक लिया है मैंने यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी। चलिए अब बना लेते हैं इस चटनी को।
तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी बढ़िया बन के रेडी हो गई ना। चलिए मंगौड़े और चटनी साथ में हम सर्व करेंगे। तो मंगौड़े फ्रेंड्स बहुत अच्छे बने हैं, आप इसे कभी भी बना के इसका स्वाद का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आप रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।